किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनिल कुमार त्यागी और आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान चैनल। आज मेरे गांव के पास के एक महक सिंह जी आए हैं, इनका भी बाग है अमरूद का, बहुत अच्छी खेती करते हैं। पास में ही गांव है, गाघरेडी के पास चोरा गांव है, और मुझे बहुत खुशी हुई जब ये आए, क्योंकि गाघरेडी से मैंने हाई स्कूल की थी, सियाराम इंटर कॉलेज से 1974 में, और ये मेरे बाग पर आए हैं। आज और कल की मैंने छुट्टी ले रखी है, क्योंकि बुधवार को ईद है, तो अब मैं बृहस्पतिवार को ही ऑफिस में जाऊंगा, और तब तक मेरा ये पूरे बाग का जो निराई गुड़ाई खाद प्रबंधन है, कटाई ख़त्म हो जाएगी। तो ये महक सिंह जी हैं, मैं इनसे बोलूँगा कि दो शब्द कहें, और अब हम इनके फार्म पर जा रहे हैं, और वहाँ पर भी मैं आपको दिखाऊँगा कि हमने क्या देखा और किस प्रकार की खेती है। तो महक सिंह जी, आप यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, देखने में बहुत कुछ सीखने को मिला है, और बहुत अच्छा लगा देख के कि भाई खाद डल रहा है, किस तरह का काम हो रहा है, और कटिंग वगैरह देखने को सीखने को मिली है मेरे को। तो अब हम इससे बहुत सहमत हूँ कि भाई काम बहुत अच्छा हो रहा है। तो चलिए अब हम चलते हैं इनके फार्म पर चलते हैं, ये भी गाड़ी लेकर आए हैं, तो हम अपनी गाड़ी में चलेंगे। ये चलिए आपको ले चलते हैं चोरा गांव। ये मेरा खाद का काम हो रहा है जो ये लोग डाल रहे हैं, ये देखिए, ये है अपनी क्रेटा में, और आइए चलते हैं चोरा गांव। ये इस पुल के नीचे से यू टर्न लेते हैं और ये सहारनपुर मुजफ्फरनगर हाईवे पर हम चढ़ जाते हैं। देखिए ये अब हम गाघालेड़ी आ चुके हैं, ये कस्बा है गाघालेड़ी, मेरे गांव से 6 किलोमीटर की दूरी पर। अब हम मुजफ्फरनगर की साइड से आ रहे हैं और ये गाघालेड़ी कस्बा है जहाँ तक ये हाईवे है, तो अब हम चोरा गांव की तरफ को मुड़ेंगे। ये देखिए ये आगे लिखा हुआ है हरिद्वार, ये हरिद्वार, मैंने इंडिकेटर दे दिया है, वैसे गलत है, मोबाइल नहीं प्रयोग करना चाहिए, पर थोड़ा आप लोगों को जानकारी दे दूँ इस इलाके की, तो इसलिए मैं अब धीरे से हम मुड़ लेते हैं। ये देखिए यहाँ से भगवानपुर 14 किलोमीटर, रुड़की 28 किलोमीटर और हरिद्वार 58 किलोमीटर। आगे हम महक सिंह जी के फार्म पर, ये देखिए, चलिए ये देखिए इधर इनके गन्ने के खेत हैं। हाँ तो किसान भाइयों, ये है हमारे महक सिंह जी का बाग, और ये मिक्स क्रॉपिंग है इसमें। देखिए कितनी खूबसूरत लीची लग रही है इसमें, ये लीची के पेड़ भी हैं, देखिए, और फिर ये लगभग 17x17 पर लाइन है अमरूद की, तो अमरूद की मेंटेनेंस इनकी अच्छी नहीं है, क्योंकि इन्होंने कभी कटिंग ही नहीं की इसकी, तो ये आपस में मिल चुके हैं, देखिए दोनों पेड़ जो 17x17 में है, और ये लाइन पूरी अमरूद की है, देखे दोनों तरफ, ये L49 अमरूद है, और ये यही दिखाने लाए हैं कि डॉक्टर साहब मैं क्या करूं इसको, थोड़ा सा मैं सर्दियों की फसल लेना चाहता हूं, तो इस तरह से देखिए ये देखिए, लेकिन इन्होंने इसको ठेके पर दे दिया, अब ये कुछ नहीं कर सकते, जो करना है इनके ठेकेदारी करेंगे, तो अगली बार से सोच रहे हैं कि मैं इसका प्रबंधन कोई ठीक ढंग से करूं। तो मैंने कहा कि चलिए थोड़ी प्लान बनाते हैं इसकी और अगले साल से इसको ठीक करने की। ये लगभग 12 वर्ष हो चुके हैं, तो इसकी उम्र अधिक से अधिक 3 से 4 वर्ष और बची है, ये देखिए, तो ये मिल चुके हैं पेड़, देखिए बिल्कुल, तो नीचे आप देखेंगे कि कोई भी कहीं भी धूप नहीं है, ऊपर ही ऊपर है, तो जहाँ धूप नहीं है देखिए
छाया में, तो कैसे ये जो है ना आपके अमरूद स्वस्थ होंगे? देखिए छोटी छोटी कली हैं अभी, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए कितने कल्ले आए हुए हैं, ये छोटे छोटे अमरूद बन चुके हैं। तो लेकिन जितना फल होना चाहिए उतना नहीं है, ये देखिए। तो ये बताते हैं कि ये डिस्टेंस जो है ना 17 फीट है इनकी, 17 फीट पे है, 17x17 पे लगाया गया है इन्होंने। और चूंकि कटिंग नहीं हुई है तो बहुत बुरी तरह मिल गए हैं आपस में। आइए, तो ये मैंने कुछ चीजें बताई हैं, आप लोग भी बताइएगा कि क्या ये सही है या नहीं है। ये देखिए इन्होंने एक तरह से मल्चिंग की हुई है। चलिए अब विदा लेते हैं, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।